हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों का ध्यान एक ऐसे विटामिन की तरफ करवाने जा रही हूँ जो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मे बी आपने कभी सुना नहीं होगा, हो सकता है कि आपने कभी ध्यान ना दिया हो इस बात के ऊपर कि अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो जितना जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं की कोशिश करते हैं, चाहे वो फिर डाइट के थ्रू हैं या फिर सप्लीमेंट्स के थ्रू, वो सब वेस्ट चले जाते हैं। जी हाँ, ये बात आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर भी यही कहेंगे कि अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो जितना जो कुछ आप डाइट ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो सारे सब वेस्ट चले जाते हैं। और वो सब वेस्ट है तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और बहुत जल्द हम किसी भी रोग की चपेट में आ सकते हैं, चाहे फिर वो बात महामारी की है या फिर किसी भी रोग की है। बच्चे की विटामिन डी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि मॉल्स वगैरह ओपन हो गए हैं, मार्केट ओपन हो गए हैं और कुछ लोग बर्थडे पार्टीज़ वगैरह भी सेलिब्रेट करने लग गए हैं। ये बड़े लोग प्रिकॉशंस रख लेते हैं, बच्चे नहीं रख पाते हैं। और बच्चों को हम एक लिमिट के अंदर ही फोर्स कर सकते हैं क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं। और बच्चों को हम बांध कर भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि बच्चे आखिर बच्चे होते हैं, वो खेलने भी जाएंगे और बच्चों के साथ भी खेलेंगे, झूलों पर भी खेलेंगे, वो खेलेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन यही है कि बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी ना होने दें। बच्चे के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी तो बच्चे का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो बच्चों को डेली आप हाफ एन आवर धूप में ज़रूर रखें, हाफ स्लीव्स और शॉर्ट्स में आप बच्चों को हाफ एन आवर के लिए धूप में ज़रूर रखेंगे तो इस महामारी के चपेट में नहीं आ पाएंगे बच्चे। और बच्चों का विटामिन डी आप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं, अगर डेफिशिएंसी है तो उनकी सलाह से आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।